तो दोस्तों, क्या आप लोग भी कॉलिंग के समय कॉल करते हैं कहीं भी, तो आपका जो डिस्प्ले का लाइट है वो ऑफ हो जाता है? दोस्तों, ऐसा अगर आप लोग के साथ प्रॉब्लम आता है तो आप लोग इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। दोस्तों, अक्सर ये लोग कमेंट करके बोल रहे हैं कि भाई, जैसे हम कॉल बटन पर प्रेस करते हैं और किसी को भी कॉल करते हैं ना, तो हमारा जो डिस्प्ले का लाइट है वो बंद हो जाता है। और ये प्रॉब्लम हमने काफ़ी सॉल्व किया है, लेकिन हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोगों को ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है और ये प्रॉब्लम आखिर आप लोगों के साथ क्यों आती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, ये प्रॉब्लम आने के पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या रीज़न है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रीज़न की, क्यों आपके साथ ये प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों, यूट्यूब पर तो ऐसे वीडियो बहुत सारे अवेलेबल है, लेकिन वो अब पुराने हो चुके हैं, ठीक है। अब तो दोस्तों देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर ये प्रॉब्लम क्यों आती है। तो ये प्रॉब्लम आने के दो रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न की हम बात करेंगे पहले, फिर आपको बताएंगे कि सेकेंड रीज़न आखिर क्या है। तो दोस्तों, जो हमारा पहला रीज़न है वो पहला रीज़न की बात करते हैं। तो जो हमारा पहला रीज़न है दोस्तों, वो होता है हमारे डायल पैड की सेटिंग का, ठीक है। अगर आपने डायल पैड में कोई ऐसा सेटिंग किया है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही हो और जिसकी वजह से दिक्कत बन रही हो और आपको पता नहीं चल रहा है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हमारा पहला रीज़न हो सकता है। अब बात करते हैं दूसरे रीज़न की। तो दोस्तों, दूसरे रीज़न की बात करते हैं। तो दोस्तों, दूसरा रीज़न क्या है? दूसरा रीज़न है दोस्तों हमारा मोबाइल की प्रॉक्सिमिटी सेंसर। जी हाँ दोस्तों, हर एक मोबाइल में एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा हुआ होता है। अगर वो फ़ोन कभी गिर जाता है आपसे, आपके हाथों से छूट के गिर जाता है, तो आपका जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है वो डैमेज हो जाता है, जिस वजह से आपके साथ ये प्रॉब्लम आती है कि कॉलिंग के समय आपका जो डिस्प्ले का लाइट है वो ऑफ हो जाता है। और दोस्तों, उस समय आपने ये भी गौर किया होगा कि जैसे आप लोग व्हाट्सएप के ऑडियो को प्ले करते हैं, आपके साथ एक प्रॉब्लम आती है कि उस समय भी आपका जो डिस्प्ले का लाइट ऑफ हो जाता है जब तक कि ऑडियो प्ले होता है, ठीक है। तो दोस्तों खैर, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप लोग को ये प्रॉब्लम को सोल्व करना है। तो ये प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सिंपल सा आपको करना क्या है कि आपको जो है अपने मोबाइल की डायल पैड की सेटिंग में जाना है और प्रॉक्सिमिटी सेंसर को जो है ऑफ़ कर देना है। मतलब कि सेटिंग होती है प्रॉक्सिमिटी सेंसर की, उसे आपको ऑफ़ कर देना है। तो कैसे क्या करना है, सिंपल सा आपको जो है डायल पैड में जाना होगा। अब दोस्तों देखो, मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जैसे कि अभी डायल पैड की जो सेटिंग है अपडेटेड मोबाइल में, वो जल्दी मिलती नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जो करना क्या है, डायल पैड पे क्लिक करना है और सेटिंग वाले बटन पे क्लिक करना है और थ्री डॉट पे क्लिक करना और आपको सेटिंग वाले बटन पर यहाँ पर प्रेस करना है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगी कॉल स्क्रीन सेटिंग की, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, तो मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद दोस्तों, आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि टर्न ऑन प्रॉक्सिमिटी सेंसर का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो इस ऑप्शन को आपको सिंपल से यहाँ से बंद कर देना है। तो जैसे कि हम यहाँ से बंद कर चुके हैं, तो ये हमारा बंद हो चुका है। उसके बाद दोस्तों, आप लोगों को जो है प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। जैसे आप लोग ऑफ़ करते हैं, आपका जो है इसके बाद आपका जो डिस्प्ले का लाइट है वो बिल्कुल भी ऑफ नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय।